आज यहाँ पर धूप से राहत जरूर मिली है। देखो यहाँ पर बादल आए हुए हैं यार, और थोड़ी बहुत राहत तो मिली है। कम से कम इतनी तेज धूप होती थी भाई, तो थोड़ी बहुत गर्म से राहत मिली। हवाएं चल रही ठंडी ठंडी, और यहाँ पर देखो बदली हो रखी, पूरा सूरज ढका हुआ है, तो बादल हैं आज। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस अच्छे होंगे। तो भाई आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, लेकिन भाई सूरज जो है वो देखो यहाँ कभी बादल से निकलता है, कभी अंदर चला जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी और टेम्परेचर दिन पर दिन लगभग बढ़ ही रहा था। तो इस वजह से भाई हमने क्या किया कि अपने मिट्टू मियाँ और चंपक अली को लगातार नहला रहे हैं भाई, उन्हें स्प्रे वगैरह भी डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो भाई काफ़ी लोग भी यहाँ बीमार हो। मैं अभी छत पे जस्ट आया था, यहाँ पर मैं अभी छत पे आया था भाई, मैं अपनी टंकी देखने आया था। ये देखो ये साइड ही वाली हम लोग की टंकी है। तो भाई देखने आया था भाई कि इसमें पानी यार बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हो भाई, भाई बहुत गर्म पानी है यहाँ पर। और ये इसमें मतलब इस पानी से अगर नहला दें अपने मिट्टू मियाँ चंपक अली तो भाई इनको बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए इससे नहीं नहलाता हूँ। जब पानी आता है ना तो मैं इनको नहलाता हूँ। तो भाई अभी हमारे मिट्टू मियाँ कहाँ हैं? नीचे हैं। तो भाई चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई कि हमारे मिट्टू मियाँ कहाँ पर हैं। तो भाई आपको भी दिखाते हैं हमारे मिट्टू मियाँ चंपक अली कहाँ पर बैठे हुए हैं भाई सुकून से। आज सुबह ही उनको मैंने नहलाया था, और नहा के भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो हमारे मिट्टू मियाँ और चंपक अली बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे येलो स्नोई बैठे हुए हैं। तो भाई एक चीज़ इनको बतानी थी कि हमारे जो स्नोई है ना भाई, ये गाइस मुझे लग रहा है देखो उसी के ऊपर बैठी है। तो देखो कैसे हाँप रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस हमारी स्नोई लगातार यहाँ पर हाँप। देखो गाइस किस तरह इसकी सांसें चल रही भाई, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्म हो रही ना, इस वजह से इनको मतलब ये दिक्कत हो रही है। इनको 5-5 मिनट पे पानी भी पिलाना पड़ता है। देखो येल्लोज का भी वही काम है, येल्लोज भी इसी तरह हाँफ रहा है। और हमारे मिट्टू मियाँ चंपक अली तो इस टाइम फ्री मतलब नॉर्मल बैठे हुए, इनको सुबह जस्ट अभी नहलाया था, और नहा धो के देखो यहाँ पर मस्त बैठे हुए हैं। यहाँ चंपक अली हमारी बैठी है, और यहाँ हमारा मिट्टू मियाँ बैठा है। बट भाई इनको कल मैंने इनको दाल चावल दे दिया था गलती से, कि यार दाल चावल मैंने दिया, मुझे लगा हो सकता है इतने बात खा लें, लेकिन भाई इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। देख सकते हो दाल चावल तो भाई ये छूते ही नहीं हैं, और ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा खाना इनका, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और चंपक अली को देखो भाई यहाँ पर पैर कैसे फुला के बैठी हुई है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म इसे लग रही है। इस वजह से जब इसको गर्म लगती है ना तो गिराई थी ऐसे ही बैठ जाती है। तुम यहाँ शांति से बैठता है ना, ये अंश आके उसको परेशान करने लगता है भाई, ये इतना परेशान करता है कि भाई ये देखो पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग सिखा रहा है यार ये। मैंने साथ में वे छुपा लिया अच्छे से, और अब देखना ना मिट्टू मियां बता देगा कि गैस की साइड में हमारा मतलब इसमें ये देखिए। तो ये यही काम किया करता है भाई, जितना परेशान ये मिट्टू मियां और चंपक अली को करता है ना यार, उतना ही येल्लो स्नोई को नहीं करता है। अब देखो पता नहीं कौन सी इतने ट्रेनिंग सिखाई है, अब उसमें बता रहा है वो। और ये जितना परेशान है मैं मिट्टू में चंपक अली करता है ना भाई, इतना ही किसी को परेशान नहीं करता। हाँ हमारे येल्लोज जो है ना यहाँ पर, येल्लोज को क्या करता है, जब हमारा येल्लोज यहाँ से उठ के इसके ऊपर बैठता है ना, तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये उससे अपने हाथ से नीचे मतलब गिरा देता है, बैठा यहाँ से हटा देता है। तो तुम क्यों यार ऐसे क्यों करते हो भाई तुम, तुम इतना क्यों भाई? और भाई सबसे ज़्यादा हमारा मिट्टू मियाँ अंश से ज़रूर चिढ़ता है भाई, हमारा मिट्टू मियाँ बहुत ज़्यादा अंश को गुस्सा करता है, क्योंकि ये दिन भर इसके पीछे पड़ा रहता है भाई। अब इसकी स्कूल की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो यार यही काम ही किया करेगा। देखो यहाँ पर हमारे येल्लो स्नोई कैसे लड़ रहे हैं भाई मटकी के ऊपर। तो गाइस अभी मैं आया था अपने पौधे वौधे देखने भाई, तो एक बुरी खबर है भाई, हमारा जो एक पौधा था ना भाई, हमने यहाँ पर यार धनिया का पौधा लगाया था, और गाइस मैंने यहाँ पर धनिया डाल दी थी कि निकल आए, तो देखो भाई सारी धनिया हमारी ख़राब हो गई है। बाकी यहाँ पर ये मिर्च के पेड़ भी लगाए थे, ये अच्छे खासे निकले, क्योंकि पहले धनिया हमारी निकली थी, और अब देखो ये पूरी तरह से ख़राब हो गई भाई, कुछ कुछ ऐसे ही पड़ी हुई है गाइस, ये धनिया हमारी ख़राब हो चुकी है। बाकी पेड़ तो हमारे अच्छे चल रहे हैं, और हमारी जो ये बेल जो मैंने आपको दिखाई थी ना भाई, जिसे हमें जहाँ तक पहुँचाना था, तो भाई देखो हमारी बेल पूरी यहाँ से और यार यहाँ तक आ गई है। अब इसे मुझे पूरा वहाँ तक पहुँचाना है, इसे मैं सोच रहा हूँ ना गाइस यहाँ से मैं लाऊँगा, और मैं यहाँ पर ला के पूरा, देखो ये मैंने रस्सी यहाँ पर बांध रखी है, और यहाँ पर मैं ला के गाइस यहाँ पर पूरा बांध दूंगा। तो हमारी बेल बहुत अच्छी से निकल रही है, और देखो यहाँ पर एक इसमें बरैया भी जाके बैठी हुई है, तो भाई ये ठंडा रहता है ना, तो इस वजह से ये काफ़ी आ जाती है यहाँ पर। बहुत इन्होंने भी परेशान किया, क्योंकि यार ये छत्ता बना लेती हैं, और जो निकलता है उसे बहुत बुरी तरह से काटती हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम कल किसी वीडियो में, बाय बाय।